हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बिगार्ड आइसोलेटर और एंकर आइसोलेटर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर वाले बटन से हाथ मिलाए और घंटा हिला दीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर दोस्तों बॉक्स की बात कर ली जाए तो पैकिंग कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिगार्ड का लोगो है तो यहाँ पे एंकर का लोगो है। ये जो हमारे पास है दोनों 63 एम्पियर में है। अभी मैं इसको बॉक्स से भी निकाल के दिखाऊंगा। अगर इसके वारंटी पीरियड की बात कर ली जाए तो ये 36 मंथ वारंटी के साथ देखने को मिल जाएगा। सेम ये 3 ईयर वारंटी के साथ मिल जाएगा, यानी 12 या 36 या 3 साल कह सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो दोस्तों पीछे प्राइस की बात कर ली जाए तो प्राइस आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्राइस 620 रुपये है जबकि इसकी प्राइस 578 रुपये है। ये अगस्त 2021 का बना हुआ है जबकि ये दिसंबर 2021 का मैन्युफैक्चरिंग डेट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 63 एम्पियर डीपी और ये भी 63 एम्पियर का ही आइसोलेटर है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं और आप लोग को इसका फर्स्ट लुक दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग दोनों देख सकते हैं, दोनों का लुक कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 63 एम्पियर आइसोलेटर UNO जिसका मॉडल है वो लिखा है। यहाँ पे सेम 63 एम्पियर 240-415 वोल्टेज पे ये वर्क करता है। सेम दोस्तों ये भी 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सिंगल फेस AC पे ये वर्क कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे बी ट्रिप लिखा है जो कि इसका मॉडल है। यहाँ पे बिगार्ड जो कंपनी का नाम है वो चीज़ लिखी है। दोस्तों यहाँ पे ये रेड कलर नीचे की तरफ दिया है जबकि यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया है। अगर इसको आप करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन देखने को मिल जाएगा और इसको नीचे गिराएंगे तो ये ऊपर की तरफ दोस्तों आप लोग को ग्रीन देखने को मिल जाएगा। इसको ऊपर करेंगे तो ये फिर रेड देखने को मिल जाएगा। इसको भी ऊपर करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बनाया गया है। डिज़ाइन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग आइसोलेटर का सिंबल देख सकते हैं, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ आइसोलेटर का सिंबल देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एक पत्ती लगाई गई है जो इसकी मजबूती को और एक्स्ट्रा सेफ्टी देती है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए दोस्तों तो आप लोग बिल्ड क्वालिटी देख के ही समझ में आ रहा होगा। फिनिशिंग की बात कर ली जाए तो एंकर आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी फिनिशिंग आप लोग को एंकर में देखने को मिल जाएगी। साइड में देखिए तो दोस्तों साइड में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लुक आप लोग को देखने को मिलेगा। जो गर्म हवाएं होती है उसको पास करने के लिए एंकर में कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन दी गई है, जबकि जो आपका बिगार्ड का है उसमें कोई डिज़ाइन ऐसी नहीं दी गई है। और लुक कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे एंकर लिखा हुआ है जो कि थोड़ा उभरे हुए अक्षरों में लिखा है और यहाँ पे 63 आई लिखा हुआ और यहाँ पे एक एंकर में कोड दिया है दोनों। हालांकि दोस्तों रिपीट पे ही जाम है। तो चलिए दोस्तों दूसरे साइड की बात कर ली जाए तो दोस्तों दूसरे साइड में देख सकते हैं, दूसरे साइड में लुक कुछ इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक बिगार्ड का स्टिकर लगा हुआ है और यहाँ पे आइसोलेटर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों साइड की बात कर ली जाए, दोस्तों साइड में देख सकते हैं यहाँ पे भी एंकर में थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी दी गई है, यहाँ पे PVC लगाई गई है जबकि बिगार्ड में ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और अगर स्क्रू की बात कर ली जाए दोस्तों तो स्क्रू आप कैमरे से ही देख सकते हैं। स्क्रू की क्वालिटी दोनों की ही लाजवाब है, स्क्रू की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बिल्ड क्वालिटी एंकर की ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू बिगार्ड। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार लगा होगा और मज़ेदार लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।